एक ही प्रकार के व्यवहार या गतिविधि का बार बार रिपीट होना और इस वजह से व्यवहार में असामान्य बदलाव से सामान्य जीवनचर्या में गहरा प्रभाव पड़ता है। यह दरअसल आदत ना होकर एक बीमारी है, जिसे मेडिकल भाषा में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी कहते हैं। यह दरअसल विचार और व्यवहार का ऐसा जटिल ताना बाना है जिसमें इंसान पूरी तरह उलझ जाता है। ओसीडी का अर्थ यह है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक बिहेवियरल पैटर्न है, एक व्यवहारिक मानसिक बीमारी है। ज्यादातर इसमें दो चीज रहता है, एक ऑब्सेशन होता है जो एक विचार है, एक कंपल्शन होता है जो एक व्यवहार है, और ये विचार के रेस्पॉन्स में ये व्यवहार होता है। ओसीडी में चार प्रकार के विचार प्रधान होते हैं जिनका असर व्यवहार में देखा जा सकता है। इस दौरान इंसान आश्चर्य की हद तक खुद को दोहराता है। ऑब्सेशन में मेजर चार ऑब्सेशन होता है। एक ऑब्सेशन ऑफ डर्ट, गंदगी के लिए ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन ऑफ डेथ, मौत के लिए ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन ऑफ डिजीजेस, बीमारी के लिए ऑब्सेशन होता है। और ऑब्सेशन जो लास्ट ऑब्सेशन होता है वो ऑब्सेशन होता है फियर के लिए, डर के लिए। और कंपल्शन वैसे चार प्रकार के होता है, जैसे कि चेकिंग होता है, डाउट के रिस्पॉन्स में चेकिंग होता है, काउंटिंग होता है, और डार्ट के रिस्पॉन्स में, गंदगी के रिस्पॉन्स में क्लीनिंग होता है, और एक होता है चेकिंग काउंटिंग क्लीनिंग। ये तीन मेजर कंपल्शन होता है। वैसे तो इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अनुवांशिकता प्रमुख है। जो व्यक्ति एंजाइटी या स्ट्रेस से ग्रस्त है उनमें भी यह समस्या देखी जाती है। इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी बेहद भावुक लोगों में भी ओसीडी का प्रभाव देखा जाता है। कुछ बायोलॉजिकल कारणों से भी ओसीडी संभव है। ज्यादातर ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है ये व्यक्तित्व के साथ थोड़ा बहुत बनना शुरू होता है बचपन से। तो बचपन में जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कुछ बच्चों में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी ट्रेट्स रहता है, वो ट्रेट्स आगे जाके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो सकता है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। कई लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऑब्सेसिव कंपल्सिव होता है। जैसे कि मेरा फाइल ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे फाइल रहता है उसके चैम्बर में, वो आकर पहले सीधा करता है फाइल को, ऐसे रखता है, और उसके जूनियर को बुलाता है कि फाइल को ऐसे कौन रखा, तो वो एक पर्सनालिटी बन जाता है, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी बोलता है। इस दौरान मरीज बार बार हाथ धोता है, दरवाजे को बार बार चेक करता है। यह हरकत नहीं, बीमारी है, इसको पहचानने की जरूरत है। किसी मरीज के दिमाग में ये विचार आता है कि मेरा हाथ ठीक से साफ नहीं हुआ है, तो वो व्यवहार करेगा बार बार हाथ धोने की व्यवहार करेगा। तो विचार हो गया मेरा हाथ गंदा है, वो ऑब्सेशन है। व्यवहार जो करेगा उसके रेस्पॉन्स में बार बार हाथ धोएगा, वो कंपल्शन है। इसलिए ये ओसीडी के बीमारी को फुल फॉर्म में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। पहले इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस बोलते थे, अभी वो टर्मिनोलॉजी को चेंज करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। बहुत प्रकार के लक्षण होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव में, जैसे कि हाथ धोने के लक्षण है, बार बार हाथ धोना, बार बार ताला बंद करना। हाथ धोने के अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जैसे कि बार बार ताला चेक करना, ताला बंद रहेगा फिर भी बार बार ताला चेक करना, खींच के दरवाजे की कुंडी बंद रहेगा फिर भी बार 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 आके देख के जाएंगे दरवाजा की कुंडी बंद है या नहीं। एक ही तरह का व्यवहार बार बार करना ही ओसीडी का सबसे बड़ा लक्षण है। ऐसे मरीज अपने आप से ही बातें करते हैं, काल्पनिक चित्र देखते हैं और एक अलग दुनिया का निर्माण कर लेते हैं।
अक्सर इनके आसपास के लोग इनके इस व्यवहार से खींचकर रोगी से दूरी बना लेते हैं, जो उनकी समस्याओं को और बढ़ा देती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि मरीज खुद को अधिक से अधिक व्यस्त रखे, रोजमर्रा के काम के बीच मनोरंजन के लिए भी वक्त निकाले, किसी खेल या हॉबी के लिए समय दे, ध्यान लगाए और हालात के बेकाबू होने से पहले किसी अच्छे साइको काउंसलिंग या बिहेवियरल थेरेपी से उपचार कराए। ओसीडी के साथ ही कुछ और मानसिक रोग प्रकट हो सकते हैं, जिनमें शेयर्ड इलनेस भी है, जिसमें एक मानसिक रोगी का दुष्प्रभाव उसके साथ रहने वालों पर देखा जा सकता है। मेरा एक पेशेंट है, यही बिलासपुर की पेशेंट है, वो अपने दुकान में ताला लॉक करते थे, 4 बार 10 बार ताला खींच के देखते थे, उनके घर पहुंच जाते थे, घर से वापस आते थे फिर देखने के लिए कि ताला लगा या नहीं, तो वो भी एक लक्षण है। और जैसे कि कपड़ा को बार बार झाड़ के साफ करना, कपड़ा को बार बार धोना, घर को 10 बार पोछा लगाना, ये सब ओसीडी के लक्षण है। हर तरह के मानसिक रोगी के साथ रहने वालों को इसके प्रभाव में आने की संभावना नहीं होती, लेकिन फिर भी जानकार बताते हैं कि यह संभव है। शेयर्ड इलनेस जो होता है मानसिक बीमारी में, ज्यादातर वो एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है, उसको हम शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं। उसमें होता यह है कि सपोज एक परिवार में माँ बेटी रहते हैं, और सपोज माँ को मानसिक बीमारी है, अब बेटी उसको देखते 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 उसके माँ के जो लक्षण है सेम लक्षण बेटी में होता है, तो उसी को शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेशेंट है, यहीं के बिलासपुर की पेशेंट है, तो वो दो भाई हैं, दो भाई अकेले रहते हैं, एक भाई को मानसिक बीमारी है, दूसरा भाई को कोई मानसिक बीमारी नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनको भी थोड़ा थोड़ा उसके भाई का लक्षण आ रहा है, मानसिक बीमारी का लक्षण। ज्यादातर वहम के लक्षण और शंका के लक्षण से आ रहा है।